रिसेंटली वी हैव कम्प्लीटेड कोरिलेशन. कोरिलेशन हमने भी कम्प्लीट किया था. उसका नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडेक्स नंबर. अब ये इंडेक्स नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम ये बताते हैं इंडेक्स नंबर क्या है. व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर. इंडेक्स नंबर्स आर द टेक्निक विच आर यूज टू मेजर द चेंज इन द वेरिएबल. इंडेक्स नंबर एक टेक्निक है वेरिएबल में चेंजेस की, लाइक टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते रहते हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने इंडेक्स नंबर्स के थ्रू हम उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं. इसमें ये चेंजेस को ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें वेरिएबल जो होते हैं आपके, जो भी आप वेरिएबल लेते हैं वो एक टाइम टू टाइम होते हैं, टाइम के अकॉर्डिंग होते हैं. ठीक है, अब वेरिएबल कोई भी चीज़ हो सकती है, प्राइस हो सकता है, मतलब वेरिएबल जो है आपका कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, राइस, व्हीट, ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है वेरिएबल. देन इंडेक्स नंबर आर द टेक्निक. इंडेक्स नंबर एक टेक्निक है विच आर यूज टू मेजर ये चेंज इन द वेरिएबल. वेरिएबल के जो चेंजेस हो रहे हैं उनको मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे हमें प्राइस का मेजरमेंट करनी है कि कितना चेंजेस हुआ 2010 से 2018 में. मैंने लिखा है प्राइस ऑफ अ राइस इन 2010 एंड 2018. तो 2010 और 18 में प्राइस ऑफ राइस में कितने चेंजेस हुए हैं, कितने वेरिएबल चेंजेस हुए हैं. अब आप ये तो बोल सकते हो कि जी उसमें 100 रुपीस थे, अब यहाँ पर आ गया 150 हो गया, ये सिंपल चेंजेस होते हैं. नहीं, इसमें खाली एक का नहीं, बहुत सारी कम्युनिटी का वेरिएबल चेंजेस किया जाता है और इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाली जाती है. तो प्राइस ऑफ राइस इसमें किसी एक ईयर को मेजरमेंट करने के लिए हमें बेस ईयर लेना पड़ता है. किसी भी एक ईयर को हमें बेस ईयर लेकर वैल्यू को मेजरमेंट करने में देना पड़ता है कि कितने चेंजेस हुए हैं इसमें, कितने तरह के परसेंटेज चेंजेस हुए हैं इस क्वांटिटी में. ऐसे क्वांटिटी ऑफ राइस 100 एट द रेट ऑफ 100 इन 2010 एंड 2018 में कितने चेंजेस हुए हैं क्वांटिटी में वेरिएबल. अब यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, राइस. क्या वेरिएबल है आपका, राइस. तो राइस में कितने चेंजेस, प्राइस ऑफ राइस में 2010 में कितना था, 2018 में कितना है, कितने वेरिएबल चेंजेस हुए हैं, इसके बारे में इसमें पढ़ा जाता है. अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका करेक्टरिस्टिक्स. करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसके, करेक्टर भाई ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, करेक्टर क्या है. पहला पॉइंट है मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस. मेजर्स ऑफ रिलेटिव चेंजेस, इंडेक्स नंबर्स मेजर रिलेटिव और परसेंटेज चेंजेस इन द वेरिएबल ओवर टाइम. यानी कि जो इंडेक्स नंबर है वो क्या करता है कि ओवर टाइम, मतलब किसी टाइम पीरियड में इनमें वेरिएबल चेंजेस और परसेंटेज चेंजेस को बताता है. किसको बताता है, परसेंटेज चेंजेस को बताता है, परसेंटेज चेंजेस को बताता है. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बेस ईयर चाहिए, एक जिससे हम इसका रिलेशन निकाल सके. तो हम ओवर टाइम में जैसे मैंने कहा 2010 और 2018, अब हमें इसका प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है. तो हमने 2010 को क्या ले लिया, बेस ईयर. तो इस ईयर के अकॉर्डिंग हम इसका मेजरमेंट निकालेंगे कि रिलेटिव चेंजेस क्या हैं, क्या चेंजेस हैं. जैसे मान लीजिए भाई, अब इफ द लाइक दैट इफ द प्राइस इंडेक्स प्राइस ऑफ स्टैंड ऑफ एट 200 इन 2018 कंपेयर टू 100 2010, राइट. तो हमने 2010 को क्या कर दिया, बेस ईयर ले लिया है. इट सजेस्ट दैट कंपेयर टू द बेस ईयर प्राइस हैव राइजन बाय द 100%. अब इसमें ये बता रहा है कि हाँ भी 100% कितने, जैसे यहाँ पर कितना था आपका 200, यहाँ पर कितना है 100. तो ये क्या आपका बेस ईयर है. हमने कंपैरिजन किया, रिलेशन निकाला, तो हमें पता चला कि कितना राइज हो गया, कितना बढ़ गया, ये राइज बढ़ा कितना, ये कितने परसेंटेज बढ़ गया, 100%. देखिए 2010 में 100 था, 2018 में कितना हो गया, 200 हो गया. तो कितने परसेंट इंक्रीज़ हो गया आपका, 100% इंक्रीज़ हो गया. तो ये एक इसके हमें इसको परसेंटेज को मेज़र करने के लिए एक बेस ईयर लेना चाहिए जिससे हम इसका रिलेशन निकालते हैं. तो उसको बोलते हैं मेजर ऑफ रिलेटिव चेंजेस. नेक्स्ट आता है क्वांटिटिव एक्सप्रेशन. क्वांटिटिव एक्सप्रेशन क्या होता है, इंडेक्स नंबर ऑफर ऑफ प्राइसेस मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी चेंजेस इन कंसर्न वेरिएबल ओवर टाइम. अब ये एक क्वांटिटी बेस को लेके करता है, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी बेस को लेके करता है. जो इंडेक्स नंबर है आपका वो टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हो रहे हैं, कितने चेंजेस हुए, जैसे हम लिखते हैं द इंडेक्स ऑफ प्राइस, एग्जांपल लेके बोलते हैं, जैसे 2010 और 18 के देखें तो प्राइस कितने परसेंट बढ़ गए. मान लीजिए प्राइस का राइज हो गया 2010 और 2018 है
7% इम्प्रूव हुए हैं, 7% डिक्रीज हुआ है, या राइज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या फॉल हुआ है, ये जो है ये परसेंटेज में बताता है। आपको हमेशा किसमें दिखाएगा, परसेंटेज में। इट्स नॉट अ क्वालिटी, ये क्वालिटी को नहीं बताता। ये क्या बताया, इंडेक्स नंबर आर नॉट अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, क्वालिटी को नहीं बताएगा, ये सिर्फ बताएगा क्वांटिटिव एक्सप्रेशन है। क्वांटिटिव बताएगा कितने परसेंट राइज हुआ है, कितने परसेंट डाउन हुआ है, ये बताएगा आपको। परसेंटेज चेंजेस बताएगा, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, इस चीज़ को ही बताता है। एवरेज, नेक्स्ट पॉइंट है क्या है आपका, एवरेज। इंडेक्स नंबर शोज चेंजेस इन द टर्म ऑफ एवरेज, ये हमेशा किसमें बताता है, एवरेज, क्योंकि इसमें एक क्वांटिटी नहीं होती, काफ़ी सारी हम इंडेक्स नंबर लगाते हैं तो एक वेरिएबल नहीं है, दो तीन वेरिएबल लेकर करते हैं, तो ये क्या कहते हैं, एवरेज को बताता है। पूरे होल के बारे में बात कर रहा है तो एवरेज को बताता है। जैसे हमने बताया कि हमने 2010 और 2018 इसमें क्या गया, जो प्राइस है वो क्या हो गया, राइज हो गए, बढ़ गए, कितने 7% इंक्रीज हो गए, 7%। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जितनी भी चीज़ें हैं वो 7% राइज हुए, इसका मतलब ये हुआ कि ऑन एवरेज, यानी क्या, सिर्फ एवरेज, ऑन एवरेज, ओनली एवरेज में ये क्या हो गया, एवरेज हैज लाइक ऑन एवरेज देयर आर बीन 7% राइज द प्राइस ऑफ अ राइस, प्राइस ऑफ अ राइस, राइस एंड गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके जो 7% होंगे वो चेंजेस हुए हैं, एवरेज चेंजेस हुए हैं, इट्स नॉट एक सिंपली चेंजेस हुआ है, टोटल एवरेज को लेके किया जाता है। तो ये क्या है, इसे कितने करेक्टरिस्टिक्स हो गए, मेजरमेंट और रिलेटिव चेंजेस, क्वांटिटिव एक्सप्रेशन एंड एवरेज।